20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण चार राशियां होंगी मालामाल। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण चार राशि वालों का सूर्य के समान चमकाएगा जीवन। मान पद प्रतिष्ठा के साथ ये पाएंगे अपार धन। दोस्तों, वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। वैसे सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना जरूर है, लेकिन भारत में इसका धार्मिक और ज्योतिषी महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषी ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस घटना का मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। साल 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार 20 अप्रैल 2023 को लगने जा रहा है, जो एक खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। ये मेष राशि में लगने जा रहा है, जो करीब 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन इन सब का प्रभाव चार राशियों पर सबसे अधिक दिखाई देगा। इन चार राशियों को यह ग्रहण और आसपास के समय होने वाला ग्रहों का गोचरी लाभान्वित करने वाला परिवर्तन होगा। ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता। क्या आपकी भी राशि इनमें शामिल है? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में होंगे और सूर्य ग्रहण से बस 2 दिन बाद ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में साल का ये पहला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 20 अप्रैल को सुबह 7:05 से होगी। सूर्य ग्रहण का खग्रास 8:07 पर होगा और सूर्य ग्रहण का मध्य यानी कि परम ग्रास सुबह 9:47 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:29 पर होगी। तो सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट की होगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण आने के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती है, तो चंद्र ग्रहण के आने पर यानी इसके दौरान समुद्री आपदाएं यानी पानी से जुड़ी आपदाएं अधिक आती है। लेकिन इस बार का यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। कंबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र के कई देशों में दिखाई देगा। भारत में दिखाई न देने के कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा और सूतक काल जिस जिस देश में दिखाई देगा वहां सूतक काल मान्य होगा। तो जहां पर ये दिखाई देगा उस देश में ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। लेकिन हर खगोलीय घटना का मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा, तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। ग्रहण के दौरान धार्मिक कार्य पूजा पाठ नहीं किए जाते। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ रोगियों को भी विशेष सावधानी सूर्य ग्रहण के दौरान रखनी होगी। चाकू, सुई, कैंची, धारदार वाली वस्तुएं गर्भवती महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। इतना लंबा सूर्य ग्रहण और उस पर सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष राशि में होना वैश्विक राजनीति में उथल पुथल ला सकता है, मचा सकता है। सूर्य ग्रहण का मेष जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहना होगा, साथ ही जोखिम वाले काम से बचना होगा, नहीं तो कष्ट मिल सकते हैं। और इस बार की यह जो सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि के कई ग्रहों की युति भी बन रही है। मेष राशि में यानी कि कई ग्रह जैसे कि राहु, बुध ग्रह, बुद्धादित राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही साथ कई राजयोग और धनयोग के साथ साथ कई ग्रह एक साथ मेष राशि में उपस्थित रहेंगे, जिसके कारण यानी कि कुछ अशुभ घटनाएं भी हो सकती है और उथल पुथल भी मचा सकते हैं। ऐसे में आपको मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खासकर मेष राशि के जातकों, आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक तनाव से बचने के लिए प्रत्यक्ष यानी कि करना होगा। आपको आर्थिक मामले और करियर के मामले में सूर्य ग्रहण के बाद उलझनों का सामना भी करना पड़ेगा। अधिकारियों की नाराजगी के साथ साथ अपेक्षित प्रमोशन और लाभ नहीं मिलने से मानसिक तकलीफ महसूस कर सकते हैं। वैसे आपकी राशि में ग्रहण के बाद गुरु ग्रह जाने से आपको कुछ राहत भी मिल सकता है और आप जीवन में संतुलन बनाने के काम यानी कामयाब रहेंगे संतुलन बनाने में। दोस्तों, माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय उचित खास बातों का ध्यान रखा जाए तो ग्रहण
ग्रहण का घर परिवार और व्यक्ति के स्वयं के जीवन को कुछ खासा प्रभावित नहीं करता। मेष राशि के जातकों भगवान शिव की आराधना करें, दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी। सूर्य ग्रहण के कारण और भी कुछ राशि ऐसे हैं जिन्हें इस अवधि में लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियों को हानि का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव चार राशियों पर सबसे अधिक पड़ेगा। इन अवधि में इन चार राशियों को धन लाभ और संपत्ति, ऐश्वर्य और नौकरी में सफलता मिल सकती है। सूर्य के समान इन चार राशियों का चमकेगा भाग्य। तो आइए जानते हैं वो चार राशियां कौन कौन सी है। बताने से पहले यानी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण से लाभान्वित होने वाली पहली राशि खुद किस्मत राशि है, वृषभ राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों आमदनी में वृद्धि होगी, विदेशी धन मिलने के योग बनेंगे, जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा धन के स्रोत बन सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी व्यापार में आपको यानी कि लाभ होगा और किसी व्यापार में आप हाथ आजमा सकते हैं जो आपके आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आमदनी बढ़ेगी, महत्वपूर्ण रहेगा। यह समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, चारों तरफ का माहौल सकारात्मक नजर आएगा। नौकरी में बदलाव करने का विचार भी कर सकते हैं आप, आसपास के कई क्षेत्रीय यानी लेवल पे आप भ्रमण कर सकते हैं, आप इसमें कई मामलों में सफल रहेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे, आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी, बचत करने में सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे, आप के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सरकारी संगठन या सरकारी परियोजना के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो बेहद सावधानी से करें, बाई आंख या फिर पैर में चोट लगने की आशंका होगी तो संभल कर रहे। यह समय स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना आपको थकान और कमजोरी का अनुभव कराएगा जिससे आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपकी योजनाओं पर गति बनी रहेगी और आपको उनका उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। शुभ परिणामों में वृद्धि पाने के लिए ग्रहण और आसपास के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अब अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों बड़े धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ फंसा हुआ कहीं पर धन वापस मिल सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग है, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, आपको राजनीतिक लाभ होगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होगी। ग्रहण के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी, कई बड़ी योजना पर काम कर सकते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में यानी आपको मान सम्मान मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे, व्यापार के मामले में काफी लकी रहेंगे। अब अगली तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, यह सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी लकी रहेगा, आप भी इस सूर्य ग्रहण के दौरान करोड़पति बन सकते हैं। बता दें कि इसमें सरकारी क्षेत्र से सुख सुविधा बढ़ेगी और लाभ भी मिलेगा, और इसमें आप कई मामलों में उचित निर्णय डिसीजन ले पाएंगे, साथ ही साथ इसमें शुभ समाचार आपको घर परिवार में मिलेंगे, जो कार्य काफी समय से लंबित पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर पाएंगे। इसमें आपको बता दें कि धन के स्रोत नजर आएंगे, अधिक से अधिक धन के स्रोत नजर आएंगे, और अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी व्यापार या फिर व्यापार करते हैं तो दोनों जगह पे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि आप नए तरह से बिजनेस व्यापार कर सकते हैं या किसी पार्टनर की तलाश थी तो वह मिलेगा, सुख सुविधा बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ होगा, साथ ही साथ कहीं से धन मिलने की योग बन रहे हैं, प्रेम जीवन में सफल रहेंगे, पार्टनर के साथ काफी अच्छी जमेगी और इसमें आपके और आपके प्रेम जीवन पे मधुरता बनी रहेगी, और इसमें आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा पाठ में अधिक मन लगेगा, और विशेषकर इसमें आप कोई भी बड़े काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसमें आपको एक से कहीं ज्यादा धन के स्रोत नजर आएंगे, सुख सुविधा बढ़ाएंगे, तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। अब अगली चौथी राशि है वो है यहां पर मकर राशि। मकर राशि को यह सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। बता दें कि इसमें बहुत ही किस्मत वाले रहेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी में वृद्धि होगी,
विदेश से धन मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के माध्यम से भी धन मिलेगा और एक से कहीं ज्यादा धन के स्रोत नजर आएंगे। खुशियां ज्यादा मिलेगी, घर परिवार में खुशियां, संतान की प्राप्ति, संतान के आगमन होगा, उचित निर्णय ले पाएंगे, बड़े भाई बहनों को सहयोग, सरकारी संगठन से लाभ होगा। इसमें अगर आप कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं तो लाभ होगा। बैंक क्षेत्र से आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, बैंक से आपको एक यानी कि अधिक से अधिक काम मिलेंगे और लोन वगैरह मंजूर होगा। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं, नए घर का निर्माण कर सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि इसमें आपको बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं और इसमें आप नई गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, घर के सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे और आपकी किस्मत शोर के समान चमकेगी। लॉटरी सट्टे में भाग अजमाएंगे तो जबरदस्त लाभ होगा, यानी कि धन से किस्मत वाले रहेंगे। तो इन चार राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत ही लकी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यानी कि जय शनिदेव जय सूर्यदेव, और दोस्तों अपनी राशि का भी नाम लिखें ताकि हम अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव जय सूर्यदेव।